अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खड़िया से होंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम में जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अलाइड हेल्थ साइंस के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके लिए, ठीक है। आप इसमें जो है ना ज़रूर अप्लाई करें। उसकी कम्प्लीट प्रोसीजर, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सभी जो है ना आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोग्राम में सबसे पहले आपने अंडर ग्रेजुएट सबसे पहले आपने जो है ना लेटेस्ट न्यूज़ अगर चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसकी जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें अलाइड हेल्थ साइंस में AFPGMI रावलपिंडी इंस्टीट्यूट में BS कार्डिक परफ्यूजन, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर होते हैं 10। और ये सीटें भी आपके सामने जो है ना आप स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इसमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में, FSC MLT और FSC MIT और इक्विवेलेंट जो है ना आपने किया हो, अगर आप इसमें जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद NUMS का जो है ना एडमिशन टेस्ट, अगर किसी ने NUMS का एंटी टेस्ट दिया है, ठीक है, या MDCAT दिया है तो वो उसी की बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं, वरना इसका जो है ना टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है। आप इसमें अप्लाई करें, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको टेस्ट की डेट इशू होगी, तो आप जाकर टेस्ट दे दीजिएगा। अगर आपने MDCAT या NUMS का एंटी टेस्ट दिया तो आप उसकी बेस पे भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे भी आपका जो है ना एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक PWD इस्लामाबाद कैंपस में BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की 30 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके FSC प्री मेडिकल में, और टेस्ट रिक्वायरमेंट वही है, अगर आपने MDCAT का एंटी टेस्ट दिया है या NUMS का एंटी टेस्ट दिया है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसका जो टेस्ट है वो होगा। उसकी आपको डेट मैं नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आपको बताता हूँ। बायोलॉजिकल साइंस इनका प्रोग्राम में PWD इस्लामाबाद कैंपस में BS माइक्रोबायोलॉजी की 30 सीटें हैं, जेनेटिक की 30 सीटें और बायोटेक्नोलॉजी की 30 सीटें हैं। इसमें आपको मिनिमम 60% अबव मार्क्स होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में और इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसका भी क्राइटेरिया वही है कि आपने टेस्ट कौन कौन सा दिया हो। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में PWD इस्लामाबाद कैंपस में 30 सीटें होनी चाहिए, और सोशल एंड बिहेवियर साइंस PWD इस्लामाबाद कैंपस में और साइकोलॉजी PWD इस्लामाबाद कैंपस में, ठीक है। BS सोशल साइंस एंड हेल्थ BS साइकोलॉजी में की 30-30 सीटें हैं। इसमें आपके मिनिमम 50% अबव मार्क्स होने चाहिए या सेकेंड ईयर होनी चाहिए FSC में, ठीक है, और प्री इंजीनियरिंग में FA ICS ICOM ए लेवल के स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टेस्ट क्राइटेरिया वो ही है कि या तो आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया हो, और टेस्ट के क्राइटेरिया वो ही है कि आपने MDCAT दिया हो या NUMS का एंटी टेस्ट, या आपने NUMS का एंटी टेस्ट दिया हो, ठीक है, या आप इसमें अप्लाई कर दे तो आपको टेस्ट की डेट आ जाएगी। इसमें जो है ना मैट्रिक के 10%, FSC के 40% और एंटी टेस्ट की 50% जो है ना मेरिट कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके लिहाज से आप मेरिट कैलकुलेट कीजिएगा, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका क्लोजिंग मेरिट आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सभी डिग्रीज प्रोग्राम का क्लोजिंग मेरिट है, लेकिन इस दफ़ा चांसेस ये हैं कि इसका जो है ना क्लोजिंग मेरिट वो 2 या 3% इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्क्स इतने हैं स्टूडेंट्स के, तो चांसेस ये हैं कि इसका जो है ना मेरिट इस दफ़ा इंक्रीज़ होगा। क्लोजिंग मेरिट आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने WWNUMS पाक एजुकेशन PK पे आपने वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन जो है ना फॉर्म फिलिंग करनी है। 3000 प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होगी और लास्ट डे अप्लाई करने की 13 जनवरी है, ठीक है। NUMS एडमिशन टेस्ट जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी 21 जनवरी जुमे को जो है ना NUMS एडमिशन टेस्ट 21 जनवरी फ्राइडे को कंडक्ट होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 31 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी और 14 फरवरी से आपको जो ना क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कार्डिक परफ्यूजन, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पर ईयर के लिहाज से 55,000 फी है पर ईयर,
ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी और पब्लिक हेल्थ साइंस की पर सेमेस्टर फ़ी 1,50,000 है, और बीएस सोशल साइंस ऑफ हेल्थ की पर सेमेस्टर फ़ी 90,000 है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेबस पैटर्न नम्स का, जैसे ही आप उस पर जो है ना अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको उस उन्हीं की वेबसाइट पर नम्स का एडमिशन प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एंटी टेस्ट जो हेल्ड हुआ था 3 अक्टूबर को, अगर वो आपने दिया तो वो भी एलिजिबल है इसमें, ठीक है। उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या एमडी कैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वो उनके थ्रू जो ना आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया तो आप इसमें अप्लाई करें, अप्लाई करते ही जो 21 जनवरी को आपका टेस्ट कंडक्ट होगा फ्राइडे को, आप उसमें ज़रूर अपीयर हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके बाद ये है कि टाइमिंग टेस्ट की, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपको नर्म्स के एडमिशन टेस्ट की जो है ना उन्हीं की एप्लीकेशन। उसके बाद ये है कि टाइमिंग और इंस्ट्रक्शन आपको उसी रोल नंबर स्लिप के नीचे जो है ना मिल जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी जो है नर्म्स की तरफ से, वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म एप्लीकेशन शैल बी सबमिट ऑनलाइन ही, एप्लीकेशन सबमिट होगी, हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद आज ही इसके जो है ना यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। अपने लॉगिन कीजिएगा, ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा, पासवर्ड सेट कीजिएगा, उसके बाद फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर करती रहिएगा। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ आप उनकी जो है ना वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वेबसाइट ईमेल एड्रेस भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।